दोस्तों टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर वायर वाली चीजें वायरलेस हो रही है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए आज के वीडियो में मीवी की तरफ से मीवी का M40 डुओ पॉड। तो आज के वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, बताएंगे सारे फीचर्स कैसे काम करता है, साउंड क्वालिटी कैसी है, इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे आपको ये लेना चाहिए या नहीं। और मार्केट में एक रियलमी का नया एयरबड भी आया है तो उसको इससे कंपेयर भी करेंगे और बताएंगे कि कौन सा बेटर है या फिर कौन सा आपको लेना चाहिए। सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए ना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरुआत करते अनबॉक्सिंग। तो ये है मीवी डुओ पॉड्स M40 का बॉक्स, और बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ऊपर ही लिखा हुआ है वायरलेस फ्रीडम। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे उसका मॉडल नंबर लिखा गया, और यहाँ पे देखिए इस साइड में तो यहाँ पे इंपोर्टेड बाइक की डिटेल्स है जिसमें लिखा हुआ है सेमी नॉल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसका एड्रेस। और बॉक्स की अगर इस साइड देखे तो यहाँ पे कुछ उसके स्पेसिफिक हाईलाइट लिखे हैं जो फीचर्स है इसके, और यहाँ पे हमें 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है। आप फटाक से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हमें बॉक्स कंटेंट में क्या मिलता है। तो इसको ओपन करने के लिए मीवी वाले बड़े दबा के पैकिंग करते हैं, तो इसको ओपन करने के लिए मैंने रिसेंटली सीखा हुआ है कि इसको बस ऐसे झटकते जाओ और ये ओपन हो जाएगा। और ये यहाँ पे ओपन हो गया, और जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 ईयर की वारंटी, और इसको रजिस्टर करने के लिए आपको एक इसका इनवॉइस का फोटो लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। और बॉक्स में हमें मिलता है हमारा मीवी का डुओ पॉड M40, और इसी के साथ ही साथ चार्जिंग केबल, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर पीस, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है अगर आप देख पा रहे होंगे। तो सबको रखता हूँ मैं साइड में और ओपन करता हूँ हमारे इस डुओ पॉड को। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे हमें लाइटनिंग के साथ चमचमाता हुआ हमारा मीवी M40 डुओ पॉड, और देखने में फर्स्ट लुक में बहुत ही सुंदर और मस्त लग रहा है, एकदम चकाचक। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स भी ब्लिंक हो रही है यहाँ पर भी, जो बेसिकली बताती है आपके चार्जिंग पॉइंट को कितना चार्ज है इस समय। तो यहाँ पे 100% चार्ज पे है, इसलिए यहाँ पे फुल चारों की चारों लाइट जल रही है। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई, तो आप यहाँ पे बात करते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है, जैसे कोई भी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस होते हैं उसको कनेक्ट करना, जैसे फ़ोन से तो आसानी से जैसे कनेक्ट होता है ये भी उसी ढंग से काम करता है और बहुत ही सिंपल और ईजिली कनेक्ट हो जाता है। अब इसको कनेक्ट तो कर ही लिया, उसके बाद अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे इस डिवाइस को मैंने लगभग 3 से 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है साउंड क्वालिटी के मामले में। मतलब जो क्लैरिटी मिल रही है साउंड की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेस डेप्थ ट्रेबल और जो भी साउंड से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट होती है ये 100% फुलफिल करता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। और ये काफ़ी अच्छा डिवाइस होगा जो लोग म्यूज़िक लवर हैं, म्यूज़िक लवर के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मीवी की तरफ से ये आने वाला है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसकी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ एक इसका दूसरा प्रोडक्ट भी है जो मीवी M20 है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर म्यूज़िक में अगर बेस को ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बेस की क्वालिटी है और जो साउंड की क्लैरिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और लुक भी काफी अच्छा है, एकदम शाइनी और ग्लॉसी लुक है। और बात करें यहाँ पे M40 डुओ पॉड के जो इसका जो लुक है काफी अच्छा लगता है, और ये जो लाइटिंग है ये काफी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मतलब काफी देखने में मस्त लगता है। और जब भी आप यूज करोगे उसकी जो लाइटिंग की जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छी रखी गई है मीवी की तरफ से, तो इसके लिए एक बहुत ही धमाके से एक लाइक तो बनता है। तो ये तो सारी बातें हो गई इसके पॉजिटिव साइड की, साउंड क्वालिटी कैसी थी और क्या मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस ईयरबड की। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जो इसका जो लुक है जब आप कान में लगाते हो तो थोड़ा सा बल्कीनेस लगता है, मतलब अगर इसका अगर कान में ऐसा लगाओ तो थोड़ा सा बल्कीनेस लगता है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद हो सकता है आपको अच्छा लगे, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे कि इस ईयरबड में आपको नॉइस कैंसिलेशन होता है जो कॉल के लिए यूज़ होने वाला है, वो पैसिव कैंसिलेशन है, अगर वो एक्टिव होता तो बहुत ही अच्छा होता और वो नेगेटिव पॉइंट में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे पैसिव नॉइस कैंसिलेशन देखने मिलेगा जिसके थ्रू होगा कि प्रॉब्लम क्या होगी, आप कान में लगा के कॉल्स वगैरह तो ले सकते हो लेकिन सामने वालों को बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, ऐसा हवा जोर से चल रही है या फिर फैन का जोर से आवाज आ रहा है वो ऐसा सामने वालों को एक्सपीरियंस होगा। तो ये दो पॉइंट मुझे अच्छे नहीं लगे इस ईयरबड के।
फिलहाल अगर आप म्यूजिक लवर हो और आप सिर्फ कॉल्स को छोड़ के बाकी म्यूजिक सुनना पसंद करते हो और बेस और डिस्को डांस वाले म्यूजिक सुनना पसंद करोगे, साइलेंट म्यूजिक पसंद करते हो, तो हर म्यूजिक कैटेगरी के लिए ये परफेक्ट होगा और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सभी को। और जहां तक सवाल है इसके प्राइस का, तो यहाँ पे ये जो मीवी का M40 डुओ पॉड है ये आपको देखने मिलेगा अमेजोन पे या फिर मीवी की वेबसाइट पे भी। इसकी प्राइसिंग है 2499 और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है इज वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड इन दिस कैटेगरी। मतलब म्यूजिक लवर के लिए एक साउंड का जो क्वालिटी और जो क्लैरिटी और जो हर चीज में एक्सपेक्टेड है कि साउंड में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये हर चीज आपको फुलफिल करता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। इसी के साथ ही साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो रियलमी ईयरबड आया है लेटेस्ट जिसको बोलते हैं रियलमी एयरबड, उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 4000 रियलमी की तरफ से। अगर उसको मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आपका सिर्फ मोटो है म्यूजिक सुनना ही, आपको म्यूजिक ही सुनना है, बाकी आपको शो शाइनिंग नहीं मारनी है, कुछ पटेली नहीं करनी है, तो शायद मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उसकी जो प्राइसिंग है 4000 रुपए के आसपास है। तो दोनों ही डिवाइसेस में 1500 रुपए का डिफरेंस है। चलो मैं मानता हूं कि कुछ डिफरेंसेस है, कुछ एडवांस फीचर आपको दे रहा है रियलमी की तरफ से, जैसे उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, इसी के साथ ही साथ एक टच पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है और थोड़े बहुत बोलते ना अच्छे वाले ड्राइवर यूज किए। लेकिन अगर म्यूजिक को अगर मैं कंपेयर करूं, जहां पे आपको साउंड क्वालिटी को अगर कंपेयर करूं, तो मुझे लगता है कि ये आपको पैसे भी बचाएगा और आपको खुश भी करेगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा ये प्रोडक्ट लीजिए और डेफिनेटली ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट किया हुआ है। इसी के साथ ही साथ मैं दोनों की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से चेकआउट कर सकते हो, वहां से परचेस भी कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही साथ आपका क्या मानना है इस दोनों ही रियलमी के बारे में भी और M40 के बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मैंने एक और वीडियो बनाया है इसका एक और वर्जन है M20 वाला जो इससे थोड़ा सा नीचे है, 2000 रुपए का आता है, उसका मैंने वीडियो बनाया, ऊपर लिंक कर दूंगा, वहां से चेकआउट कर लीजिए, वहां से भी काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है इस M40 डुओ पॉड के बारे में, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय।